नमस्कार दोस्तों, अब हम जा रहे हैं लेह शहर के दूसरे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब के दर्शन करने के लिए। यह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की स्मृति में बनाया गया है और यह अस्तित्व में आया 1517 ईस्वी में, जब गुरु जी अपनी लंबी यात्राओं के दौरान यहाँ पहुँचे थे और लोकल निवासियों की गुहार पर वहाँ के एक राक्षस से निजात दिलाने के लिए गुरु जी ने यहाँ पर अपना डेरा जमाया था। राक्षस ने गुरु जी को देखकर उनको मारने के लिए एक पत्थर फेंका था और वो पत्थर की शिला गुरुजी की पीठ पर लगते ही वो मोम की तरह पिघल गई और उनके पीठ और कंधे के निशान उस शिला पे आ गए। राक्षस ने अपने पैर से शिला को दबाकर गुरुजी को मारने की कोशिश की, पर उस पत्थर के दूसरी तरफ राक्षस के पैर के निशान भी छप गए। यह देखकर विस्मित हुआ राक्षस गुरुजी के चरणों में गिर गया और अपने हर कृत्य के लिए गुरुजी से माफ़ी मांगी और लोकल निवासियों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। उसके बाद गुरुजी ने यहाँ पे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और तिब्बत और चाइना की यात्रा पर चले गए। दोस्तों, अब हम इस गुरुद्वारे साहब के दर्शन करने जा रहे हैं, आइए मिलकर हम इस गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं और इस गुरुद्वारे के पवित्र जगह के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। दोस्तों, ये गुरुद्वारा पूर्णतः सेना के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय सेना के पास इस गुरुद्वारे की मेंटेनेंस का जिम्मा है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने। आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये है वो शिला जो राक्षस ने गुरुजी की पीठ पर फेंकी थी और आप देख सकते हैं कि इस शिला पे उनके पीठ और कंधे के निशान हैं। हर आने वाला पर्यटक यहाँ पे अपना शीश झुकाता है। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। बड़े ही आदर और श्रद्धा से हम सब ने भी यहाँ पर अपना शीश झुकाया और अपने उज्जवल भविष्य के लिए और आप सब दोस्तों के उज्जवल भविष्य के लिए गुरुजी से आशीर्वाद मांगा। बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से इस गुरुद्वारे को सुसज्जित रूप में रखा गया है। भारतीय सेना पूर्णतः धार्मिक तरीके से इस पवित्र जगह की देखरेख करती है। इस हॉल में बड़ी शांति महसूस हो रही है मुझे और हम सब लोगों ने कुछ देर यहाँ बैठकर आंखें बंद कर शांति महसूस की और इस पवित्र जगह पर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार सेवा, ये है मुख्य द्वार। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ के भोजन कक्ष में। ये है यहाँ का भोजन कक्ष जहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा तैयार प्रसाद हर आने वाले पर्यटक को परोसा जाता है। मुगलों के अत्याचार से संबंधित चित्र यहाँ पे लगाए गए हैं, सिख धर्म से प्रचारित चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं और आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र भी यहाँ पर प्रदर्शित हैं। इस भोजन कक्ष में लोगों की जानकारी हेतु कई चित्र धर्म से संबंधित, आज़ादी से संबंधित लगाए गए हैं। ये है गोल्डन मंदिर, गोल्डन टेंपल। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीर है।
तो आइए दोस्तों, बैठते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। भारतीय सेना के जवान ही यहाँ पे खाना या प्रसाद बनाते हैं और आगंतुक पर्यटकों को सर्व करते हैं। आज का भोजन भी सबने आदर स्वभाव के से ग्रहण किया। बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन, दाल, चावल, बीन्स और आलू बैंगन की सब्जी के साथ चपातियाँ मिली। उसके बाद आधा आधा कप चाय भी सब ट्रैवल पार्टनर्स ने एंजॉय की। और उसके बाद एक सेल्फी भारतीय सेना के जवानों के साथ। जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं अपने अगले गंतव्य की तरफ, जो है मैग्नेटिक हिल। चुंबकीय प्रभाव के क्षेत्र वाली ये पहाड़ी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि इस मैग्नेटिक हिल में कुछ ऐसे चुंबकीय तत्व मौजूद हैं जो यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकने वाले हर व्हीकल को अपनी तरफ खींचते हैं। तो दोस्तों, एक बार टीवी पे भी इसके संबंधित प्रोग्राम देखा था और ऑनलाइन भी इसके लिए पढ़ा था। तो अभी हम चल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र वाली मैग्नेटिक हिल की तरफ और लगभग हम पहुंच ही चुके हैं। यह बहुत नज़दीक है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब के। मेरे सामने हैं जो भी आप देख रहे हैं मैग्नेटिक हिल, और अभी हम उसके पॉइंट के करीब पहुँच चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं इसी के पॉइंट को चेक करने के लिए और अपनी आँखों से देखने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम भी चेक करते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या प्रभाव है। ये है मैग्नेटिक हिल का बोर्ड। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं मैग्नेटिक हिल के उस पॉइंट के पास। ट्रैवल पार्टनर्स भी उसी पॉइंट के पास खड़े होकर दूसरे लोगों से उनकी चेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं हमारी गाड़ी का नंबर कब आएगा। गाड़ी बिल्कुल पास खड़ी कर रखी है हमने। कुछ लोग चेक कर चुके हैं और कुछ लोग इस चेक के लिए वेट कर रहे हैं। तो आइए पहले हम इस एरिया का मुआयना करते हैं और देखते हैं। बहुत हवा चल रही है, मुझे अपनी कैब भी पकड़नी पड़ रही है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने अपने सहयात्रियों से, ट्रैवल पार्टनर से बोला है कि वो अपनी गाड़ी को एक निश्चित दूरी पर खड़ा करें और सब अपनी गाड़ी से बाहर आ जाएं, ताकि उस गाड़ी की परीक्षा ली जा सके और यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव का टेस्ट किया जा सके। तो सब ट्रैवल पार्टनर गाड़ी से बाहर आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ड्राइवर जितेंद्र शर्मा भी बाहर आ गए हैं और गाड़ी चल पड़ी है। इस समय गाड़ी में कोई भी नहीं है और गाड़ी न्यूट्रल अवस्था में है और गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी है। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ड्राइवर सीट पे कोई नहीं है और गाड़ी चल रही है। एक बार देखने से तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन थोड़ी देर ही रुकने के बाद सारी असलियत मालूम पड़ गई। दरअसल इस रोड पे थोड़ी सी ढलान है जो पहाड़ी की तरफ से आ रही है, और जैसे हाईवे बना हुआ है तो इस ढलान की वजह से कोई भी रुकने वाला व्हीकल एक तरफ ढलान की तरफ चलने लगता है। जैसे ही गाड़ी को रिवर्स पार्क किया जाता है तो गाड़ी ऊपर की ओर नहीं जाती। दोस्तों, शाम हो चुकी है और हम लेह की माल रोड पर घूमने के लिए आ चुके हैं। सीनियर सज्जन हैं, आराम कर रहे हैं मार्केट के चबूतरे पे। ये माल रोड है, सुहावना मौसम है, पर्यटक और स्थानीय निवासी यहाँ शाम को घूमने
में आते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए ख़रीदारी करते हैं। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं और लोग अच्छे मौसम का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स की मार्केट, लेह के कल्चर और संस्कृति से संबंधित सारे हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ मिलते हैं। आप देख सकते हैं सामने औरतों के पहनने के लिए आभूषण हैंडीक्राफ्ट्स उचित दामों पर यहाँ पे मिल जाते हैं। छोटी छोटी कई दुकानें यहाँ पे बनी हुई हैं। हाँ, एक बार ध्यान में रखिए, शॉपिंग करने के लिए आपको बार्गेनिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। थोड़ी बहुत तो बार्गेनिंग हर जगह होती है पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होती है। मैंने एक जगह देखा था 200 रुपए की एक चीज़ दुकानदार ने 120 रुपए की दे दी थी। खैर, चलिए बाहर मार्केट का थोड़ा सर्वे करते हैं और देखते हैं आगे मार्केट में क्या है। धीरे धीरे आगे चलते हैं और इस शहर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कई तरह के खाने के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। तिब्बतीन खाना यहाँ मिलता है, उत्तर भारतीय व्यंजन भी यहाँ मिलते हैं। एक जगह हमने दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट भी देखा था। तो कहने का मतलब ये है कि माल रोड पे आप हर तरह के भोजन का आनंद ले सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र होने के बावजूद यह पर्यटकों के बीच बहुत मशहूर है और इसी वजह से यहाँ पर भारतीय और विदेशी खाना भी बड़े आराम से मिलता है। दोस्तों, लगभग 8 बजने वाले हैं, अंधेरा होने वाला है। इस समय मैं हूँ ये शहर की माल रोड पे। ये इस शहर का मोस्ट प्राइम शॉपिंग एरिया है। जैसे जैसे हम घूमने जाते हैं अलग अलग शहरों में, वैसे ही इस शहर का टूरिस्ट एरिया के लिए मोस्ट प्राइम एरिया है। इसको कहते हैं माल रोड। सारे टूरिस्ट शाम को यहीं पे घूमने आते हैं। मार्केट बहुत अच्छी है, छोटी छोटी दुकानें हैं लेकिन हर तरह की शॉपिंग यहाँ हो सकती है। स्थानीय लोग और युवा लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। संबंधित पेंटिंग्स हैं और
लद्दाख की कल्चर से संबंधित पेंटिंग्स हैं। दोस्तों ये सामने ओपन है गुरुद्वारा, जहाँ से गुरबाणी का प्रसारण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन पेंटिंग्स का अवलोकन करते हैं। तिब्बतन गुरु दलाई लामा जी के विभिन्न पोज हाथ से पेंट किए गए हैं। मुझे ज़्यादा पेंटिंग्स की तो समझ नहीं है, पर देखने में ये आकर्षक लग रही है। और हम देख सकते हैं कि मार्केट धीरे धीरे बंद होने लगी है, कुछ दुकानें बंद हो चुकी हैं और मुझे लगता है अगले आधे घंटे या एक घंटे में बाकी की मार्केट भी बंद हो जाएगी। ये कुछ और पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे पेंटिंग्स लगाने की युक्ति बड़ी अच्छी है। खैर आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, पूरा दिन हमने एंजॉय किया, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब के दर्शन किए और मैग्नेटिक हिल पे गए और अब शाम को मार्केट में कुछ अच्छा समय व्यतीत किया और जम के ख़रीदारी की। तो दोस्तों आप देखते रहिए हमारा चैनल, जुड़े रहिए हमसे और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ हर वीडियो पे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।